हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मुँ सहित 34 साइज डबल कटोरी ब्लाउज रो ड्राफ्टिंग और कटिंग पूरा नुआ मेथड रे सहजरे पेपर रे किपर करी ताहा शेयर करी। फ्रेंड्स, गोटे कथा मुझे चाहूँगी, आज मुझे जो मेथड आपन को देखेबी एपरी मेथड संपूर्ण यूट्यूब आपन देखी नथिबे बा देखिबा को पाइबे नी। यह समस्त पूरा अलग और नुआ मेथड जोटा कि मोर एक्सपीरियंस अनुसार एपरी गोटे इजी मेथड डिजाइन करछि। आपण मो कथा मानिकी एही मेथड रे थरे ब्लाउज कटिंग करिवे इत्ते भल फिटिंग आसीबो आपण जमा भी विश्वास भी करि परिबेनी। आउ गोटे कथा, जदि आपण सिलै रे पूरा नुआ ताहाले भी बहुत सहज रे एही मेथड रे ब्लाउज बने देबे। आपण को सहज रे बुझियापे एठी मो सबुर दुई दुईटी फार्मूला शेयर करछि। आज आम ब्लाउज क्लास मान स्टार्ट है। सबू साइज़ रा ब्लाउज फार्मा कटिंग मु आगो को शेयर करी। सो फ्रेंड्स, चलंतु स्टार्ट करिबा आज वीडियो। स्क्रीन ऊपर मेजरमेंट अच्छी देखंतु। लेंथ 13 इंच अच्छी, चेस्ट 34, वेस्ट 30, शोल्डर 5.25, आर्म होल 5.75, फ्रंट नेक 6, बैक नेक 10, स्लीव लेंथ 5 इंच अच्छी और स्लीव मोहरी 12 इंच अच्छी। एठी मु फ्रंट और बैक एकाथरे काटिबी तेणु पेपर को फोर फोल्ड रखी। बंद पट निजाड़े और अपोजिट साइड रे खोला पट रखी। ब्लाउज रेडी लेंथ एठी 13 इंच अच्छी। ऊपर शोल्डर जॉइनिंग और तले सिलई पई 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं कि 14 इंच पेपर नहीं छी। शोल्डर आमर 11 इंच अच्छी। एठी मु बैक रे डीप नेक बनेबी तेणु 11 रे अधा 5.5 इंच रे मार्क लगेबिनी। 5.5 इंच रु 2 सूत कमई कि 5.25 इंच रे मार्क लगे। एठी हमर फास्ट सूत्र हैला चेस्ट डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 इंच, एमिति करले 5.25 इंच आसछे। सेकंड फार्मूला हैला चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0.5। आपण देखि परतबे एमिति काढिले भी सेम हमर सेति कि आसछि 5.25 इंच। एठी शोल्डर पई 5.25 इंच मार्क कला परे सेही पॉइंट रु आर्म होल पई गार देबा। आर्म होल गार सीधा आसिया पई तले 5.25 इंच रो आउ दुईटी चिन्ह देउछि। एबे स्क्रीन ऊपर आर्म होल रो दुईटी फार्मूला देखंतु। फास्ट हैला जेति कि भी शोल्डर अछि सेथिरे 0.5 इंच ऐड कर देबे। एठी मोर सेमति करले 5.75 इंच आसिला। सेकंड फार्मूला अनुसार चेस्ट 34 को 6 भाग न करले गोटे भाग सेम 5.75 इंच ही आसिला। तेणु 5.75 इंच रे मु गोटे दाग देली। से चिन्ह रो आग को चेस्ट लाइन ड्र करंतु। एबे शोल्डर लाइन रे बेक चौड़ा माप लगेबा। नेक विड्थ फार्मूला हला चेस्ट डिवाइडेड बाय 12, 34 डिवाइडेड 12 करले 2.8 और 2.75। एठी आमर 2.75 आसुछि। जेहेतु आमे डीप नेक बनाउछे तेणु 0.5 इंच माइनस करिकी 2.2 इंच रे चिन्ह देली। तले बेक लंबा 6 इंच नेली। 6 इंच रो आगो को गार देली। ऊपर बेक चौड़ा 2.2 इंच रे मार्क करथली किंतु तले सही गार रे हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं कि 2.75 इंच रे चिन्ह देली। ऊपर तल चिन्ह को गार देकि मिसेली। एबे तले बेक पई राउंड रे मार्क करबा। फ्रंट आर्म होल पई आर्म होल लाइन और चेस्ट लाइन रा कॉर्नर रे एमिति गोटे गार देली। ऊपर शोल्डर डाउन पई 2 सूत छाड़ी कि आर्म होल गार रा सेंटर पॉइंट बार करिबा। कॉर्नर रे देथिबा गार रे 1 इंच मार्क करली फ्रंट आर्म होल शेप देबा पई। एबे चेस्ट मार्क करिबा। चेस्ट 34 1/4 8.5 इंच रे चिन्ह देली। एठी आमे किछि प्लस किंबा माइनस करिबानी कारण एहा डायरेक्ट ब्लाउज रो नैथिबा माप। आगो को 2 इंच मार्जिन मार्क करली। आपण जदि सिलै रे पूरा नुआ अछंती तेबे कम से कम 2 इंच ही नियंतु मार्जिन। तापर आर्मोल पॉइंट रु फिटिंग लाइन पर्यंत एपरि मझी 1 इंच को लगे कि आर्मोल शेप दियंतु। मार्जिन लाइन रो 2 सूत तळ जाय एही लाइन को लगांतु। एपरी करिबा द्वारा काख तले जमा कपड़ा जमिकी रहिबो नै। एबे तले अंटा पई मार्क करिबा। अंटा एठी 30 इंच अछि। 30 रो 1/4 पार्ट 7.5 इंच रे गोटे दाग देली। तापर 1 इंच बैक और फ्रंट टॉक्स पई देली।
फ्रंट रे आमर तल कटरी जो 1 इंच टक्स देवा से 1 इंच मैनेज होपर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कली। एटी आमर ऊपर तले सेम 10.5 इंच अच्छी। तापर तल ऊपर फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन मिसला भली गार टाणतु। एबे आमे बी पट्टी मार्क करिबा। बी पट्टी केते साइज रे केते नेबे ताहा ऊपर क्लियर वीडियो अच्छी आम चैनल रे जाइकी देखि नियंतु, नहले डिस्क्रिप्शन रे लिंक प्रोवाइड करदेवि। बस्ट पॉइंट में एटी मु 8.5 इंच नेली। एटी मु सूत्र अनुसार बस्ट पॉइंट रे 1 इंच एड नक 0.5 इंच एड करी 9 इंच रे मार्क कली। से ही पॉइंट रु तल को 2.5 इंच रे चिन्ह देली। हुक आई पट्टी आड़े 3.5 इंच रे मार्क कली वी पट्टी पाई। एबे हमर 2.5 इंच बैक साइड रे वी पट्टी रा लेंथ रहिबा, माने वी पट्टी दुई साइड रे 0.75 इंच रो 1 इंच डिफरेंस रहिबा। एबे 3.5 इंच और 2.5 इंच को एभली टिके क्रॉस रे लाइन देके जोड़ंतु। हुक ओ आईपट्टी साइड रे बी पट्टी पॉइंट ऊपर को 1 इंच ऊपर को चिन्ह दियंतु। 1 इंच रो पूर्णी 1/2 इंच रे चिन्ह लगांतु। एबे 1 इंच चिन्ह जो देथिले सेठु आगो को गार दियंतु। एठी हमर कटरी पे चिन्ह दबा। एठी मु कटरी लेंथ बाहर करिया पे 2टी फार्मूला शेयर करची देखि नियंतु। फास्ट हैला चेस्ट को 4 रे डिवाइड करले जेतिकी आसिला ताकू पूर्णी 3 भाग करला परे गोटे भाग आमर फिटिंग लाइन रु मार्क करबा को हेबो। इमिति करले आमर एठी 5.6 इंच बाहरिला। कटरी लेंथ बाहर करिवार सेकंड सूत्र हैला चेस्ट को 6 रे डिवाइड करले जहां आसिला ताहा आमर कटरी लेंथ हबो। एठी भी सेम सूत्र नंबर 1 भली 5.6 इंच आसिला। सो आमर कटरी लेंथ 5.6 इंच बाहरिला। आपणकर जहाँ भी चेस्ट साइज अच्छी एभली सूत्र रे कटरी लेंथ बाहर करिवे। एबे कटरी लेंथ रु गोटे गार दबा लंबारे। तापर नेकलाइन रे 5 इंच रे मार्क करंतु। एमिति देखिले तळु 1 इंच ठीक रहुछि। 5 इंच पॉइंट रु आग को गोटे गार दबा। एबे 5 इंच पॉइंट रु एभली कटरी लेंथ जो मार्क करथले सेतिकि पर्यंत एभली राउंड दबा कटरी पई। देखंतु आर्मोल पॉइंट रु मापिले आमर कटरी पर्यंत 2 इंच डिस्टेंस रहुछि। एठी 2 इंच रु 2.5 इंच पर्यंत डिस्टेंस रही पार। हुक आई पट्टी आड़े 1/2 इंच मार्क लगे थिले किंतु आर साइड 1 इंच रे कटरी उपरे मार्क करंतु। एबे कटरी रा मिडिल गार को एभली इंच टेप रे सेंटर रे मार्क करंतु। सही सेंटर पॉइंट रु ऊपर को 1.25 इंच लंबारे गार दियंतु। जदि हेवी चेस्ट थिबो किंबा टिके बेसी पॉइंटेड पई 1.5 इंच भी मार्क लगे पारिबे। तापर साइड 1/2 इंच रु आर साइड 1 इंच पर्यंत सेंटर 1.25 इंच को मिसेकि एभली सेप दियंतु तळ कटरी पई। एबे शोल्डर डाउन आर्महोल साइड रे 2 सूथ डाउन करली। एबे बैक आर्महोल पे 1.5 इंच रे आर्महोल कॉर्नर रो मार्क करली ओ सेप देली। मार्किंग ऊपर कटिंग करनबा। जेहेतु हमें बैक और फ्रंट एका थरे मार्क करछे तेणु फिटिंग और आर्महोल साइड ही काटंतु। एबे भीतरु बैक पार्ट को बाहर कर देली। फ्रंट पार्ट को साइड रखी कि एबे बैक पार्ट रे किछि मार्किंग लगेबा। नेक विड्थ फ्रंट पे जेते नै थिले सेति ही एबे मार्क करंतु।
एठे मु 2.25 इंच रे दाग देली। बैक नेक लेंथ 10 इंच रे तल को चिन्ह देली और आग को 2.75 इंच रे चिन्ह दे कि गार टाणली। ऊपर तल चिन्ह को मिसे कि गार टाणिली और नेक सेप राउंड रे देली। आपण बैक पे जे कोनसी भी सेप नेक देकी कटिंग करी परिबे। एबे नेक कटिंग करली। एबे फ्रंट पार्ट को नेली। फास्ट वी पट्टी को काटला परे एस पट्टी को काटिबा। देखु ये आमर तल कटोरी आमर मार्किंग लगी जापर कटोरी किपर बाहर करेंगे ता देखा। प्रथम ये जो हुक काजपटी आड़े हाफ इंच चिन्ह जो देते आरपटे मार्क कली साइड रे 1 इंच चिन्ह को मध्य आरपटे मार्क करूँ। मन रखिए आपण फ्रंट पार्ट मार्क कला बेले डबल फोल्ड रे ही पेपर को ने मार्किंग कला परे एबे कटोरी को खोली नियंतु। एबे मझीरु कटिंग कर नियंतु। तापरे मेन पेपर रे तल कटोरी पार्ट को काटंतु। तल कटोरी पार्ट को साइड रे रखिकी एबे उपरे जो कटिंग पीस बाहरला ताको बैक साइड जो हाफ इंच ओ 1 इंच मार्किंग देथिले ता उपरे लगेकी तल को रखिबे। एठी गोटे ध्यान कथा ध्यान देबे साइड सीधा हुक और आई पट्टी जेमती मिस्थुबो। एबे एभली कॉर्नर रे एज इट इज मार्क लगांतु। तापरे एबे कटिंग करनियथु। एभली आमर ऊपर कटर पीस मध्य बाहरला। देखंतु आमर दुईटी जाक कटरी पीस बाहरी गला। जेते बेले आमे कपड़ा उपरे रखी काटिबा सेते बेले हुको आई पट्टी आड़े एक्स्ट्रा रखिकी काटिबा। ऊपर कटरी रो नेक लाइन रे किछ एक्स्ट्रा न रखिकी दुई साइड रे 300 अधिक रखिबा को हेबो सिलाई पई। तळ कटरी रो सब आड़े एक्स्ट्रा रखिया को हेबो। कपड़ा उपरे कटिंग बेले मु बते देबी किपर फर्मा को रखिकी काटिबे। फर्मा कटिंग को किपर कपड़ा उपरे पके काटिबे ओ सिलाई करिबे जदि आपण जानिबा को इच्छुक ताले मते कमेंट रे जणेबे तेबे ताहा बे मु शेयर करिबि। एबे बैक पार्ट रे टॉक्स पई अंटार फिटिंग लाइन पर्यंत लेंथ रा सेंटर पॉइंट रो ऊपर को 3.5 इंच रे चिन्ह देली। जेहेतु आमर ब्लाउज लेंथ कम अच्छी ओ बैक नेक बड़ अच्छी तेणु 3.5 इंच रो टॉक्स मार्क करली। तापरे 1 इंच टॉक्स पई एभली मार्क करली से ही गार रो दुई साइड रे हाफ एम पिन चिन्ह देकी। एबे स्लीव्स पई एठी मु पेपर डबल फोल्ड रे नै छी। कपड़ा को 4 फोल्ड रे नबक पड़िबो। स्लीव्स पई केते कपड़ा नबक होबो तार फार्मूला देखंतु। चेस्ट को 4 रे डिवाइड करिबे जहाँ बाहरला से 0.5 इंच माइनस कर देबे। एठी हमर 34 साइज चेस्ट रे 8 इंच बाहरला। 8 रे 2 इंच मार्जिन देकी कपड़ा नबा को हेबो। फोल्डिंग साइड रो ही मार्किंग लगेबे। स्लीव्स लेंथ 5 इंच अछि 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करिकी ऊपर शोल्डर और तल फोल्डिंग सिले पई 6 इंच रे चिन्ह देली और गार टाणली। तापर आर्म डाउन पे लेंथ गाररु 3 इंच तल को चिन्ह देली और गार टाणी। एबे आमर स्लीव्स रो चौड़ा एठी एही लाइन रे मार्क लगेबा। एही लेंथ पॉइंट रो आर्म डाउन 3 इंच गार पर्यंत एमिति इंच टेप को रखंतु ओ 8 इंच जोठी हैला सेठी गोटे दाग दियंतु। तापर आगरु बॉडी पार्ट रे जेति कि मार्जिन नै थिले सेति कि मार्जिन चिन्ह दियंतु। एठी मु 2 इंच मार्जिन चिन्ह देली। हाथ मऊरी पाई 6 इंच रे चिन्ह देली। आगो को 2 इंच मार्जिन देकी ऊपर और तल फिटिंग और मार्जिन लाइन को गार टाणी।
ऊपर शोल्डर गोले 1.5 इंच रे चिन्ह दियंतु। 1.5 इंच रो फिटिंग लाइन पर्यंत एमती स्लीव्स रो शेप देख दियंतु, किंतु मार्जिन लाइन रे 200 तल को शेप दियंतु। फ्रंट आर्म शेप पे बैक आर्म शेप रो मिडिल पॉइंट बाहर करंतु। सेठू तल को हाफ इंच चिन्ह दियंतु, तापर से ही चिन्ह को लगे कि तल को फ्रंट आर्मोल शेप एमिति दियंतु। एबे मार्किंग उपरे कटिंग करनो छी। एबे देखिबा कटोरी रो सेकंड पार्ट रे 1 इंच स्टार्ट की भली लागिबा। देखंतु कटोरी पार्ट को ए भली हुक काज पट्टी रो 3 इंच दूर रे टॉक्स पई पॉइंट बाहर करिवे, नहले एमिति ऊपर शेप रो ए भली मिसई की सेंटर पॉइंट बाहर कर परिवे। दुईटा जाकरे सेम हमर एठी 3 इंच बाहरला। एबे ऊपर हाफ इंच छाड़ की गार दे कि हाफ हाफ इंच दुई साइड रे मार्क करंतु और टॉक्स पे मार्किंग करंतु। एटा होची डबल कटरी ब्लाउज बनेबार सबटु सिंपल ओ इजी मेथड। थारे मोर ए मेथड रे ब्लाउज काटंतु, देखिबे बहुत इजी लागिबो। सो फ्रेंड्स, वीडियो भल लागिले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब कला पर पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु और ऑल को सिलेक्ट करंतु, जदवारा मोर नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन निश्चित पाई परिवे। पुनी देखा हबो नुवा वीडियो रे। धन्यवाद।